जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक एक पत्ते के ऊपर, कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना करकर अपने पूर्वजों के लिए इन तीन वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाइए, अपनी कामना करकर। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले एक चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाओ। भले एक चम्मच दूध लेकर जाओ, एक कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है, वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से एक चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, हमारे पूर्वजों को से बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक एक पत्ते के ऊपर, कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना करकर अपने पूर्वजों के लिए इन तीन वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाइए, अपनी कामना करकर, सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, तीन पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा हंस और गरुड़, एक कौवा और एक स्वान कुत्ता, ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कौवे को और स्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, स्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्व होता प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक स्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा, दरवाजे पर कैसे उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहां बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहां बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे साथ समय वर्णन। तीन पक्ष तीन वृक्ष पितरों के तुल्य, पक्षियों में कौवा हंस और गरुड़ ये पितरों के तुल्य, जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं, जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, वैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में, तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है महाराज। फिर अगला वर्णन किया, तीन पशु कुत्ता गाय और हाथी ये पितरों के तुल्य होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में, गयासुर ने बर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा,
और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गया सुर का वर गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त हो। कुत्ता गाय और हाथी। श्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि श्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता है। श्वान भक्ता नहीं है, चुका देता। फिर तीन जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य, मछली, कछुआ और नाग। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है। मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाता है। और महाराज नाग वो भी पितरों के तुल्य माना। इन तीन पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ओगड़दानी बट का वृक्ष के रूप में ब्रह्मा को बना देते हैं और शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।